दोस्तों बैटरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी स्मार्टफोन का, और बैटरी ही है जो एक्चुअली किसी भी स्मार्टफोन का, किसी भी डिवाइस का एक्चुअली एक पावर हाउस होता है। और अगर आप उनमें से हैं जो कि बैटरी को सेव करना जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप बैटरी को सेव कर सकते हैं और उसकी जो लाइफ है, ओवरऑल लाइफ है कि कितने साल वो बैटरी अच्छे से चल पाएगी, वो बढ़ाना चाहते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। कई सारी टिप्स मैं आपको ऐसी दूंगा जिससे कि डेफिनेटली आप बैटरी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव कर पाएंगे, साथ ही साथ जो बैटरी की लॉन्जिविटी है, जो ड्यूरेबिलिटी है, वो भी जरूर इम्प्रूव होगी। तो हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक टू द कोर। वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैंने फोन को फास्ट रखने वाली वीडियो में बताया था कि ये जो टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये सारी ही आप फॉलो करें ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ टिप्स को भी फॉलो करेंगे तो भी आप बैटरी को काफी ज्यादा बचा पाएंगे। तो ये नोटिस के साथ, ये डिस्क्लेमर के साथ अब आगे बढ़ते हैं। अब बैटरी को सबसे ज्यादा यूज अप करने वाले जो तीन कॉम्पोनेंट्स हैं या जो तीन फंक्शंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो डिस्प्ले जो है वो सबसे ज्यादा बैटरी को कंज्यूम करता है। अगर आपका डिस्प्ले IPS LCD वगैरह है, मतलब AMOLED के अलावा, LED सीरीज के अलावा और कोई डिस्प्ले है, तो वो बैटरी पे और भी ज़्यादा एक बोझ बन जाता है और भी ज़्यादा बैटरी को कंज्यूम करता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको डिस्प्ले से रिलेटेड वीडियो में बताया हुआ है, अगर आप उसको देखना चाहें तो आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। दूसरा जो सबसे ज़्यादा बैटरी को कंज्यूम करने वाली चीज़ है वो है उसका सेलुलर नेटवर्क, मतलब कि जो हमारे फ़ोन में सिग्नल्स आते हैं, अगर आप दो सिम यूज़ करते हैं तो जो दो सिम के सिग्नल्स हैं, इन सिग्नल्स को कैरी करने में काफ़ी ज़्यादा बैटरी हमारी कंज्यूम हो जाती है। और स्पेशली जब हम ट्रैवल करते हैं, जब हम कॉन्स्टेंटली ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे ट्रेन में या आप किसी रोड पे काफ़ी हाई स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में जो हमारा सेलुलर नेटवर्क है वो बैटरी को और भी ज़्यादा कंज्यूम करता है। इसके अलावा जो लास्ट चीज़ है वो ऑब्वियसली हमारा जो यूसेज है, यानी कि अगर हम गेम्स खेल रहे हैं तो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होगी, लाइट ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं तो वो कम होगा। तो इन सब चीज़ों को बताने के बाद चलिए चलते हैं पहले पॉइंट पे। तो इसका जो सबसे पहले पॉइंट आ जाता है वो डिस्प्ले से रिलेटेड है, जो कि ये कहता है कि रिफ्रेश रेट जो है वो हमें अपने डिस्प्ले का कम से कम रखना चाहिए। आप ज़्यादातर फोन में देखेंगे कि जो बेस रिफ्रेश रेट होता है यानी 60 Hz का, तो एक वो होता है, और उसके अलावा आपको 90 Hz या 120 Hz जैसे जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सेटिंग्स में आपको ये ऑप्शंस या तो आप ऑटो सेलेक्ट पे लगा दें जिसमें कि फ़ोन अपने आप डिसाइड करेगा कि कितने रिफ्रेश रेट पे उसको फ़ोन को रखना है, या फिर आप अगर और भी ज़्यादा बैटरी सेव करना चाहते हैं तो आप इसे 60 Hz पे रख दें, जिससे कि आपको डेली यूसेज में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हाँ बैटरी पे इसका अच्छा खासा असर पड़ सकता है। डिस्प्ले से ही रिलेटेड एक और पॉइंट आ जाता है, वो ये कि आपको लाइव वॉलपेपर्स अवॉइड करना चाहिए, मतलब कि जो ऐसे वॉलपेपर आपने देखे होंगे जिसमें कोई ना कोई मोशन होता रहता है जब भी आप फोन की स्क्रीन को ऑन करेंगे, और जो उस पर मोशन होता है वो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा बैटरी को कंज्यूम कर लेता है, क्योंकि उसमें रैम ज़्यादा कंज्यूम होती है, ज़्यादा बिजी रहती है रैम, जिसकी वजह से अल्टीमेटली बैटरी पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। और मेरे हिसाब से अगर आप लाइट वॉलपेपर यूज़ कर रहे हैं तो इसकी प्रैक्टिकलिटी का आपको खुद एक बार सोचना चाहिए कि आखिरकार जब भी हम अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं, अनलॉक करते हैं, तो हम ऐप्स या गेम्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ऐसे में हमको कितनी ही देर आखिरकार होम स्क्रीन को देखना होता है, और उसके लिए हम ज़बरदस्ती अपने फ़ोन्स में लाइव वॉलपेपर लगा लेते हैं जो कि बैटरी को काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाता है। तो ये आप सोच सकते हैं, लाइव वॉलपेपर्स के ही साथ साथ आपको अननेसेसरी जो विजेट्स हम लगा लेते हैं कई बार अपने होम स्क्रीन पे, वो भी काफ़ी हद तक अवॉइड करनी चाहिए। जैसे कि क्लॉक है वो तो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, एक ऐसा विजेट है जो कि आप रेगुलरली उसको देख सकते हैं, बट कई सारी ऐसी विजेट्स होती हैं जो लगातार अपडेट अपने आप होती रहती हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज जो है चले जाते हैं हमारी बैटरी के, लेकिन उनका कुछ ऐसा खास यूज़ नहीं होता है जो कि मेरे हिसाब से अननेसेसरी है, तो उन विजेट्स को भी आप काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो अगेन डिस्प्ले से रिलेटेड है, वो ये कि अगर आपके पास एक AMOLED स्क्रीन वाला फ़ोन है, जो कि आजकल ज़्यादातर फोन्स में आपको देखने को मिल जाएंगे, AMOLED या OLED इस सब तरीके के जो डिस्प्लेज हैं, उन डिस्प्लेज में, उन फोन्स में, उन डिवाइसेस में आपको डार्क मोड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अब डार्क मोड कैसे काम करता है और AMOLED के ही बारे में ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ, आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहरहाल जो AMOLED फोन्स होते हैं उनमें अगर आप डार्क मोड यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बैटरी बचा सकता है, अप टू 10-15% तक आपकी बैटरी सेव हो सकती है अगर आप रेगुलरली
डार्क मोड का इस्तेमाल करते हैं एमुलेट वाले फोन्स में। और साथ साथ इसका एक और फायदा हो जाता है कि आप अगर लॉन्ग यूसेज करते हैं अपने फोन्स का तो उसमें आपकी जो आंखें हैं उस पर स्ट्रेस और स्ट्रेन कम पड़ जाता है काफी हद तक। डिस्प्ले से रिलेटेड एक और फैक्टर आ जाता है, वो है हमारा ऑन स्क्रीन टाइम। तो यानी कि अगर हम अपने फोन को आइडल छोड़ देते हैं तो कितनी देर उसकी स्क्रीन एक्चुअली ऑन रहती है, ये स्क्रीन ऑन टाइम होता है। ये हम जितना कम से कम रखेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा कम रख देंगे, अगर मान लीजिए आप 10 या 15 सेकेंड्स रख लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी ही फोन ऑफ हो जाता है, स्क्रीन ऑफ हो जाती है उसकी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट एट मैक्स आपको देखना चाहिए। ये जो 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट का जो टाइम है ये मेरे ख्याल से काफ़ी एक स्वीट स्पॉट सा है, और इससे ज़्यादा अगर आप टाइम रखते हैं तो डिस्प्ले पे और भी ज़्यादा असर होगा, और अगर इससे कम रखते हैं तो मेरे हिसाब से आपको कई बार जो है फ़ोन को लॉक अनलॉक ये सब करना पड़ सकता है। तो जो ऑन स्क्रीन टाइम है उसको भी हमें एक बैलेंस में रखना ज़रूरी हो जाता है अगर हमें बैटरी सेव करनी है तो। डिस्प्ले से रिलेटेड आखिरी पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि जो हमारा ऑटो ब्राइटनेस सेंसर है हम उसे ऑफ रख सकते हैं। मतलब कि जो ये सेंसर्स होते हैं ये आप समझते ही होंगे कि ये ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करते हैं अगर आप इन्हें ऑन रखते हैं, और मोस्ट केसेस में मैंने देखा है कि लोग ब्राइटनेस को खुद ही कंट्रोल करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और ऐसे में वो ऑटो ब्राइटनेस का फीचर ऑन रखते हैं उसके बाद भी मैंने देखा है कि मैनुअल ब्राइटनेस को सेट करना ही वो बेहतर समझते हैं। हालांकि पर्सनली अगर मेरे से आप पूछें तो मैं ऑटो ब्राइटनेस फीचर को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, और ये मुझे यूज़फुल इसलिए भी लगता है क्योंकि पर्टिकुलरली मेरे फ़ोन की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही मेरे हिसाब से फ्लॉलेसली काम करता है, बट कई सारे ऐसे भी फ़ोन हैं जिनमें ये ठीक से काम नहीं करता है ऑटोमेटिक ब्राइटनेस सेंसर, और इसमें आईफोन भी काफ़ी ज़्यादा प्रख्यात है। काफ़ी मैंने लोगों को देखा है कि आईफोन जो है वो ब्राइटनेस को उस तरीके से बढ़ा नहीं पाता है जो कि ऑटो ब्राइटनेस सेंसर को करना चाहिए। तो अगर आपका भी ऐसा ही केस है जिसमें आप ऑटो ब्राइटनेस सेंसर का इस्तेमाल करें या ना करें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसे टर्न ऑफ कर देना ही काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, इससे भी आपकी बैटरी काफ़ी हद तक सेव हो सकती है। इसके बाद दोस्तों एक टिप मैं आपको देता हूँ जिसमें कि आपको डेवलपर ऑप्शंस को यूज़ करना पड़ेगा। डेवलपर ऑप्शंस कैसे ऑन करते हैं ये आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो डेवलपर ऑप्शंस अगर आपने पहले से ऑन कर रखा है तो आप डेवलपर ऑप्शंस में जाएं और उसमें जो एनिमेशन और ट्रांजिशन स्केल है उसका जो एनिमेशन है आप उसे मिनिमम पे कर सकते हैं, या इवन एक्चुअली आप उसको टोटली ऑफ भी कर सकते हैं। ये जो एनिमेशंस और ट्रांजिशंस हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा टाइम और बैटरी को कंज्यूम करते हैं, और इसलिए प्रोसेसर पे भी काफ़ी ज़्यादा लोड डालते हैं, जिसकी वजह से आप इसे जितना कम रखेंगे या आप इसको बिल्कुल नन पे रखेंगे या बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बैटरी काफ़ी हद तक सेव हो जाती है। कई सारी नोटिफिकेशंस हमारे फ़ोन में लगातार कई सारी ऐप्स की आती रहती हैं और इन्हें हम पुश नोटिफिकेशंस कहते हैं। अब ज़्यादातर पुश नोटिफिकेशंस का इस्तेमाल हम अमूमन नहीं करते हैं, तो इसलिए पुश नोटिफिकेशंस को हम सेटिंग्स में जाके मैन्युअली ऑफ कर सकते हैं, और हर एक पर्टिकुलर ऐप के जो नोटिफिकेशन कंट्रोल है उसे भी हम अगर सही से हैंडल करते हैं तो जो पुश नोटिफिकेशंस है वो हमें नहीं मिलेंगी, और उसकी वजह से हमारा फ़ोन बार बार वाइब्रेट नहीं होगा, हमारा फ़ोन बार बार लाइट अप नहीं होगा किसी नोटिफिकेशन पे आने के, और अल्टीमेटली आप समझ ही गए होंगे कि इससे भी बैटरी काफ़ी सेव हो सकती है। एक और ऐसी टिप है जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग फॉलो करेंगे, और वो टिप ये है कि आप लोकेशन अगर आपकी हमेशा ऑन रहती है तो आप उसे ऑफ कर सकते हैं, तो उससे ज़रूर 5-10% तक हमारी बैटरी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सकती है। अगर आप हर टाइम अपने फ़ोन की लोकेशंस को ऑन रखेंगे तो उसके कई सारे फायदे भी हैं, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो एक्चुअली बैटरी के ही केस में हो जाता है। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो कि उन लोकेशन सर्विसेज को पूरी तरह ऑफ भी नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरे पास एक ये टिप है कि आप सेटिंग्स में जाके जो लोकेशन सर्विसेज हैं उसकी एक्यूरेसी को कम कर सकते हैं थोड़ा सा, जिससे कि लोकेशन सर्विसेज काम तो तब भी करेंगी लेकिन वो जो रिसोर्सेज हैं उनका कम इस्तेमाल करेंगे और काफ़ी हद तक बैटरी आपकी सेव हो सकती है। बैकग्राउंड ऐप्स जो हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं बहुत देर से, उन्हें अगर हम ऐप्स पैनल होता है जो उस पर जाके हम अगर क्लोज कर देते हैं तो वो भी हमारे लिए बैटरी को काफ़ी हद तक सेव कर सकता है, जिससे कि बैकग्राउंड प्रोसेसर्स हमारे बंद हो जाते हैं। दोस्तों आजकल एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें कि बहुत सारे फोन्स आपको बिना चार्जर के मिलते हैं, जिससे कि हमें अब नए चार्जर्स खरीदने पड़ते हैं, मतलब कि उसमें हम थर्ड पार्टी चार्जर्स का इस्तेमाल करते हैं कई बार, और ऐसे में कई लोगों से गलती हो जाती है कि वो अपने फ़ोन के लिए जो चार्जर लेते हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं होता है या किसी अच्छे ब्रांड का नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे फ़ोन की जो बैटरी है उस पर काफ़ी गहरा असर पड़ सकता है, और साथ में जो हमारे ब्रांड्स हैं वो भी ये कहते हैं कि
कि हमें जितना हो सके ब्रांडेड चार्जर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जो खुद ओरिजिनल चार्जर्स आते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर आप हर बार अलग अलग कंपनी के चार्जर को नहीं भी खरीदना चाहते हैं तो भी एक ऐसा चार्जर जो आप खरीदें वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो, ये आप ज़रूर मेक श्योर करें। क्योंकि इससे दो नुकसान होते हैं, पहला तो कि बैटरी पे ज़रूर असर पड़ता है, हालांकि आजकल जितने फ़ोन्स आते हैं उनमें ऑलरेडी एक सर्किट प्रोटेक्शन होता है, बट फिर भी हम ये रिस्क क्यों लें कि हमारी बैटरी की जो ओवरऑल लाइफ है उस पर ज़्यादा असर पड़े। और साथ में दूसरी जो बात ये है कि अगर आप किसी बेकार से चार्जर से फ़ोन को लगातार चार्ज करेंगे, बार बार चार्ज करेंगे, तो उससे आपका मदरबोर्ड ख़राब हो सकता है, और अगर ऐसा कोई केस आ जाता है तो आपकी वारंटी जो है वो भी वॉइड हो सकती है। इसके अलावा हमें हमारा फ़ोन जो है डायरेक्ट सनलाइट के सामने बहुत ज़्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब डायरेक्ट सनलाइट हमारे फ़ोन पर पड़ती है तो पहला तो ये कि हमारा जो डिस्प्ले है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट रहता है, ताकि हमें ऑब्वियसली टेक्स्ट और जो इमेजेस हैं वो सब देख पाएँ, और दूसरी बात यह है कि जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो फ़ोन की बॉडी है वो भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है, और ऐसे में क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया कि थर्मल थ्रॉटलिंग का फंक्शन चालू हो जाता है और हमारी जो बैटरी है वो बहुत तेज़ी से कंज्यूम होने लग जाती है, बहुत तेज़ी से उसका जो बैटरी लेवल है वो गिरने लग जाता है हमारे डिवाइस का। चार्जिंग से रिलेटेड दोस्तों एक और पॉइंट है कि आपने देखा होगा रिसेंटली कई सारी ऐप्स आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएंगी जो कि कहती हैं कि फास्ट चार्जिंग हमारे फ़ोन में वो इनेबल कर देंगी। तो सबसे पहले ही सेंटेंस में मैं आप क्लियर कर देता हूँ कि ऐसी कोई भी ऐप नहीं है जो कि आपके फ़ोन को एक्चुअली थोड़ा सा तेज़ चार्ज कर पाए। होता ये है कि ये जो ऐप्स होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा कैश क्लियर कर देती हैं आपके फ़ोन से, और साथ में जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस रन कर रहे होते हैं उन्हें क्लोज कर देती हैं, मतलब रैम काफ़ी खाली हो जाएगी, जिसकी वजह से एक दो मिनट का फ़र्क आपको महसूस होगा ज़्यादा से ज़्यादा उनकी उस फ़ोन की चार्जिंग स्पीड्स में। तो ये सब जो ऐप्स आती हैं ये एक्चुअली बिल्कुल फेक होती हैं, और इन ऐप्स को आपको मतलब मज़े के लिए भी इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कई वीडियोस में कि चाइना के सर्वर्स पे हमारा प्राइवेट डेटा ऐसी जो शेडी ऐप्स होती हैं वो सेंड कर देती हैं, तो हमारी प्राइवेसी को हम अपने रिस्क पे क्यों रखें। जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारे फ़ोन की बैटरी है वो थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ी से यूज़अप हो रही है, वो थोड़ी ज़्यादा तेज़ी से कंज्यूम हो जाती है, इवन तब भी जब हम अपने फ़ोन को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऐसे में घबराने की बात नहीं है, आपकी फ़ोन की बैटरी अचानक से वीक नहीं हो गई है। सिंपल सी बात यह है कि जो सेलुलर नेटवर्क है उसको लैच ऑन करने के लिए हमारे फ़ोन बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाता है, और भी ज़्यादा उसको ताकत लगानी पड़ती है, और जब ताकत लगानी पड़ती है तो आप समझ सकते हैं कि वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो आती है बैटरी से। लेकिन इससे बचने की छोटी सी टिप्स हैं वो मैं आपको दे देता हूँ। उसमें सबसे पहला तो ये है कि अगर आप डुअल सिम यूज़ करते हैं और उसमें से भी आप एक सिम सिर्फ सेकेंडरी यूसेज के लिए रखते हैं तो उस सिम को आप टोटली टर्न ऑफ कर सकते हैं। अगर आप उस सिम को टोटली टर्न ऑफ नहीं भी कर पाते हैं तो आप उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो नेटवर्क कनेक्शन है उसे आप 4G या 5G से हटाकर 2G या 3G पर रख सकते हैं, जिससे कि डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके फ़ोन की बैटरी पे जब भी आप ट्रैवल कर रहे होते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों तीन चार और ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि हमें बहुत ज़्यादा हैवी या बहुत ज़्यादा जो थिक कवर्स होते हैं, जो फ़ोन कवर्स होते हैं, उनसे बचना चाहिए, उन्हें हमें नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो हमारा नेटवर्क कनेक्शन है उसको ठीक से इनेबल करने के लिए बैटरी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम बहुत ज़्यादा मोटा कवर अपने फ़ोन पर लगा देंगे जो कि बहुत ज़्यादा हैवी होगा तो वो हमारे जो फ़ोन की सिग्नल कैचिंग एबिलिटी है उसको कम कर देगा, साथ में बैटरी को और भी ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाएगा। तो इसीलिए जो हमारे फ़ोन्स के साथ कवर्स आते हैं, जो ब्रांड्स खुद सेंड करते हैं कवर्स, वो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होते हैं और वो ज़्यादा थिक भी नहीं होते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के भी आजकल आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप अलग से कवर बाय करते हैं तो ये मेक श्योर करिए कि वो कवर बहुत ज़्यादा मोटा ना हो, बहुत ज़्यादा वो भारी ना हो, बहुत ज़्यादा थिक ना हो। दोस्तों फेस अनलॉक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, स्पेशली जब से आईफोन ने अपने जो भी फोन आ रहे हैं उनमें फेस अनलॉक को मैंडेटरी कर दिया है, तब से फेस अनलॉक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन अगर मैं एंड्रॉयड की बात करूँ तो आज भी आपको लगभग सारे ही फोन्स में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, साथ में फेस अनलॉक भी आने लगा है एंड्रॉयड फोन्स में काफ़ी ज़्यादा। लेकिन मैं आपको बताऊँ दोस्तों, तो आपको अगर बैटरी बचानी है तो हमेशा फिंगरप्रिंट स्कैनर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके कई सारे कारण हैं, पहला तो ये कि बैटरी सेव करता ही है, क्योंकि
फेस अनलॉक की तरह इसमें किसी भी और हार्डवेयर को हमेशा ऑन रहने की जरूरत नहीं है। फेस अनलॉक में आपका जो फोन का कैमरा होता है वो लगभग हमेशा ऑन ही रहता है एक तरीके से, और जब भी आप फोन को लिफ्ट करते हैं तो हमें अगेन वो कैमरे को ऑन होना पड़ता है। दूसरी बात ये कि फिंगरप्रिंट सेंसर फेस अनलॉक से काफी ज्यादा सिक्योर है अगर हम एंड्रॉयड की बात करें, जिसमें कि अलग से हार्डवेयर नहीं होता है फेस अनलॉक करने के लिए। तो हम अपनी सेफ्टी को आखिरकार क्यों ही रिस्क पे डालें सिर्फ और सिर्फ फेस अनलॉक को यूज करने के लिए। अगर आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करते वक्त वाइब्रेशन को ऑन रखते हैं या जो कीबोर्ड की जो साउंड्स होती हैं उनको ऑन रखते हैं तो इससे भी बैटरी पे काफी ज्यादा असर पड़ता है, और स्पेशली तब जब आप बहुत ज्यादा व्हाट्सएप यूज करते हैं, मतलब जब आप बहुत ज्यादा चैटिंग करते हैं या आपका टाइपिंग का काम ज्यादा होता है, तो ऐसे केसेस में आप जो फोन के वाइब्रेशन है टाइपिंग करते वक्त और जो साउंड है उसको भी आप टर्न ऑफ करेंगे तो आपकी बैटरी काफी हद तक सेव हो सकती है, काफी ज्यादा उस पर असर पड़ता है। और जो इस वीडियो का लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि हमें अपने स्मार्टफोन में एक्टिव लिसनिंग को ऑफ कर देना चाहिए, मतलब कि जो हमारा गूगल असिस्टेंट है जिससे कि हम सिर्फ बोलते हैं और हमारा गूगल असिस्टेंट जो है वो काम करने लग जाता है, या आईफोन में हम हे सीरी बोलते हैं तो जो फोन है वो वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर देता है, तो इस साउंड को सुनने के बाद रिस्पॉन्ड करने का जो फीचर है इसे हम अगर ऑफ कर देते हैं तो हमारे फोन का जो एक सेंसर यानी माइक्रोफोन है वो हमेशा ऑन नहीं रहता है, और जिससे कि अल्टीमेटली हमारी काफी ज्यादा बैटरी सेव हो जाती है, और साथ ही साथ इससे जो प्राइवेसी का इशू है वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाता है, भाई हम नहीं चाहते कि हमारी बातें हमेशा हमारा फोन सुनता रहे। तो ये थी कई सारी टिप्स जिससे कि आपकी बैटरी परफॉर्मेंस आपके फोन की काफी ज्यादा इंप्रूव हो पाएगी और अपने फोन की बैटरी को आप और भी ज्यादा जुडिशियसली यूज कर पाएंगे। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, नहीं अच्छी लगती है तो आप इसे जरूर डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपके कोई सुझाव हो, आपके सवाल हो तो आप वो कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखें। साथ में अगर आपको ऐसा ही कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे कि कोई भी नई वीडियो जब अपलोड करते हैं हम तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।